प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 किसको दिया जाएगा? ऑप्शन नंबर एक नासिरा शर्मा, दो शरद पगरे, तीन काशीनाथ सिंह, चार मन्नू भंडारी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो शरद पगरे। शरद पगरे को उनके उपन्यास पाटलिपुत्र के सामगी के लिए सम्मानित किया जाएगा। व्यास सम्मान 1991 में शुरू किया गया था। के बिरला फाउंडेशन भारत के उन लोगों को प्रतिवर्ष यह पुरस्कार देता है जिन्होंने हिंदी भाषा के साहित्य में काम किया है और पिछले 10 वर्षों में अपने काम को प्रकाशित किया है। मंत्रिमंडल ने भारत के यूपीएससी और किस देश के आईआरसीएससी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर एक बांग्लादेश, दो अफगानिस्तान, तीन सऊदी अरब, चार श्रीलंका। सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो अफगानिस्तान। इस एमओयू के बाद आईआरसीएससी और यूपीएससी के बीच संबंधों को मजबूती मिलेगी। वे सार्वजनिक सेवा भर्ती और चयन प्रक्रिया के आधुनिक दृष्टिकोण पर अनुभव साझा करेंगे। निम्न में से कौन वार्षिक निर्यात रैंकिंग सूचकांक तैयार करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करेगा? ऑप्शन नंबर एक विदेश व्यापार महानिदेशालय, दो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, तीन वाणिज्य विभाग, चार नीति आयोग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक विदेश व्यापार महानिदेशालय। प्रत्येक जिले की वार्षिक निर्यात रैंकिंग सूचकांक निर्यात प्रतिस्पर्धा के आधार पर तैयार किया जाएगा। निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों को विकेंद्रीकृत करने के लिए केंद्र सरकार जिलों को एक्सपोर्ट हब्स के रूप में विकास करने पर काम कर रही है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय तटरक्षक जहाज को तटीय सुरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर एक सुजीत, दो वज्र, तीन समर, चार सचेत। सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो वज्र। वज्र चेन्नई के कट्टुपल्ली में लासन एंड टुब्रो शिप बिल्डिंग लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। लासन एंड टुब्रो लिमिटेड द्वारा निर्मित 7 अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में यह 6ठा है। निम्नलिखित में से किसने शहीद दिवस के अवसर पर शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर एक अमित शाह, दो रमेश पोखरियाल निशंक, तीन निर्मला सीतारमण, चार प्रकाश जावड़ेकर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो रमेश पोखरियाल निशंक। शहीद दिवस के अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने यह भी घोषणा की कि स्मारकों में स्वतंत्रता सेनानियों की पुस्तकों के मौजूदा संग्रह को शहीद स्मृति पुस्तकालय में बदल दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किसने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थर्ड पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन नंबर एक अभिषेक वर्मा, दो विजय कुमार, तीन ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, चार गगन नारंग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ISSF वर्ल्ड कप में थर्ड पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। भारत ने इस टूर्नामेंट में अब तक 8 स्वर्ण, 3 सिल्वर और 4 कांस्य पदक जीते हैं। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए किसके नाम की सिफारिश की गई है? ऑप्शन नंबर एक एसए बोम्बडे, दो एनवी रमना, तीन रोहिंटन फली नरिमन, चार अशोक भूषण। सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो एनवी रमना। भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोम्बडे ने सरकार से न्यायमूर्ति एनवी रमना को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसए बोम्बडे 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वह भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर एक शिमला, दो देहरादून, तीन श्रीनगर, चार हैदराबाद। सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन श्रीनगर। श्रीनगर में स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ट्यूलिप गार्डन जबरवान रेंज की तलहटी में 30 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह डल झील के किनारे स्थित है। इसमें 64 से अधिक किस्मों के 15 लाख ट्यूलिप फूल हैं। उस राज्य का नाम बताइए जो भारत की पहली सरकार द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करेगा। ऑप्शन नंबर एक मध्य प्रदेश, दो उत्तर प्रदेश, तीन कर्नाटक, चार आंध्र प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार आंध्र प्रदेश। इस पहल का मुख्य उद्देश्य व्यथित जानवरों तक पहुंचना और उन्हें उचित पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। CMYS जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मोबाइल एम्बुलेंस पशु चिकित्सा क्लिनिक पशुपालन विभाग द्वारा स्थापित किया जाएगा। फिच रेटिंग ने 2021-2022 के लिए भारत के GDP विकास अनुमान को 11% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन नंबर एक 11.8%, दो 12.8%, तीन 13.8%, चार 14.8%। सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो 12.8%।
अपने नवीनतम ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक GEO में अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने 2021-22 के लिए भारत के GDP विकास अनुमान को 11% से 12.8% किया है। एजेंसी ने आगे कहा कि लॉकडाउन से प्रेरित मंदी से भारत की GDP वृद्धि की रिकवरी उम्मीद से अधिक तेज रही है।